हे व्हाट्सएप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी यह है कि सुबह सुबह उठे हैं, ठीक है। आज अर्ली मॉर्निंग बॉयज़ को उठाया है तकरीबन 7 बजे, ठीक है। तो उठ के बॉयज़ को तो भेज दिया है। मेरी रात को तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी दांत में जो है ना वो दर्द शुरू हो गया था बहुत शदीद किस्म का। तो कल का व्लॉग एंड भी नहीं कर सका उस वजह से, और रात को मैं डाटा कॉपी करता हूँ तो वो भी निकाल सका। तो रात को मेडिसिन वगैरह ली है, अभी तबीयत ठीक है। तो बॉयज सारे गए हैं आगे, ठीक है, ट्रैक वगैरह करने के लिए। तो वो तो निकल गए हैं, मैं रूम में ही हूँ। तो अभी मैं सोया हूँ फिलहाल चेहरे से, तो फ्रेश होके आते हैं और फिर आपको मिलते हैं। अभी मैं फ्रेश हुआ हूँ, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद फिर सो फुली रेडी, ठीक है, और ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। पहले रूम से निकला जाए और रूम को किया जाए नॉक। रूम हो गया नॉक और बाइक मेरी वो खड़ी है कवर्ड, और चलते हैं होटल पे। उसी होटल से ब्रेकफास्ट करेंगे जिससे रात को हमने डिनर किया था। तो अभी उधर चलते हैं, चेक करते हैं ब्रेकफास्ट का क्या सीन है, क्या क्या मेन्यू है, क्योंकि रात को तो जो था वो रिवर व्यू आपको नहीं दिखा सके बिकॉज़ रात का टाइम था, अंधेरा था और लाइट का भी इतना वो नहीं था। तो अभी आपको दिखाते हैं रिवर व्यू भी, रश भी काफ़ी नज़र आ रही है, तो रश में क्या किया जाए। हाँ, एक टेबल खाली मिल गया है हम लोगों को, हम लोगों को कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ मुझे। तो इधर हम लोग बैठते हैं, बैठ के सीन्स आप चेक करें। तो ये अब आप देखें, ये सारा दरिया जा रहा है और इसके बिल्कुल ना करीब हम लोग बैठे हुए हैं। सामने पहाड़ हैं, वो जो पहाड़ हैं वो वाले, उन पे पड़ी हुई है बर्फ़। देयर इज़ द ब्रिज, और ये लोहे का ब्रिज है, ये ब्रिज लोहे का है। तो इस पे भी आज आपको ब्लॉग करेंगे, इस पे भी, और वो भी दिखाएंगे। कल एक शॉर्ट सी वीडियो वो आपने देखी होगी ब्रिज पे। तो अभी फ़िलहाल ऑर्डर करते हैं नाश्ते का और फिर उसके बाद ना ब्रेकफास्ट करके वापस आते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर, ये चढ़ाई वगैरह चढ़ रहा हूँ। तो इधर के जो सीन्स हैं वो ऐसे हैं कि इधर होटल्स वगैरह काफ़ी सारे हैं, बाज़ार है, ठीक है, शारदा का, शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी आपको, होटल्स मिल जाएंगे। तो अभी ऊपर चलते हैं, जो यूनिवर्सिटी तक का रास्ता है वो आपको दिखाते हैं। बहुत प्यारा सीन्स है और चढ़ाई आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, वो उधर से मैं चढ़ के आ रहा हूँ। तो ये यूनिवर्सिटी का लगा हुआ है बोर्ड, दिस वाज़ द बोर्ड जो पढ़े हैं, और ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इसके बारे में ये। तो ये कहा जाता है कि मैंने भी सुना है कि यूनिवर्सिटी जो है वो पुरानी हो चुकी है, बंद है, ठीक है, तो लोग सिर्फ इसको जो है विज़िट करने जाते हैं,
इधर ये देखें आप, ट्रैक कितना प्यारा है। फिर गूगल पर जाना चाहते हैं। तो बहुत प्यारा ट्रैक है, वाटर पानी वगैरह सब सीन्स। और नीचे भी देखें आप, नीचे भी पानी वगैरह के सीन्स हैं। और ये मेरे साथ साथ भी पानी उधर से ऊपर से आ रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत ट्रैक है। और आप चलते हैं ऊपर और चेक करते हैं, ठीक है। अगर तो परमिशन मिली पिक्चर्स की वीडियोस की, तो फिर तो फुल यूनिवर्सिटी आपको दिखाई जाएगी। और ना मिली तो क्या किया जा सकता है। तो ये देखें आप, पानी का फ्लो कितना प्यारा है। ये ट्रैक है और ये पानी का फ्लो, ठीक है। ये पौधे वगैरह लगे हुए हैं बहुत खूबसूरत। और अभी एक और चढ़ाई बाकी है, वो मैं चढ़ के यूनिवर्सिटी में मिलता हूँ आपसे। सो गाइस, 63 स्टेयर्स चढ़ने के बाद फाइनली मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ। तो अभी के ये सीन्स हैं कि यूनिवर्सिटी खंडर बन चुकी है बिल्कुल। और ये आप चेक करें, इधर कुछ बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सांस बहुत चढ़ गया। ये शारदा यूनिवर्सिटी की कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह, वो कुछ बोर्ड्स वगैरह हैं। और इतना बस एरिया है जो ये खंडर बन चुका है। तो इस बारे में कल कोई बंदा मुझसे पूछ रहा था कि इधर एक मंदिर है, वो किस जगह है। तो मैंने कहा मंदिर तो हमने नहीं सुना, हम लोग भी एक्सप्लोर करने आए हैं। तो वो कहते हैं जी है। तो फिर मैंने वापस आके पूछा, तो लोकल से पता लगा कि कुछ लोग इसको मंदिर के नाम से जानते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो यही था सब कुछ जो आपको मैंने अभी दिखाया। तो 63 स्टेयर्स, और वो भी ऐसे वाली नहीं, ठीक है। जो 63 स्टेयर्स ऐसे होती है तो फिर बंदा चढ़ जाता, ऐसे थी वो, मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत मुश्किल से परमिशन मिली है। मैंने बड़ी मुश्किल से परमिशन ली है उनसे ऊपर वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। तो इधर परमिशन नहीं होती वीडियोस और फोटोग्राफी की। तो ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो वापस नीचे उतर के फिर ट्रैक पे चलते हैं, और नीचे चल के आपको कुछ और जगह दिखाते हैं, ब्रिज पे ब्लॉक करते हैं और फिर रूम में चलते हैं। तो रूम की कंडीशन मैं ठीक कर दी थी, तो देखते हैं और कोई चीज़ें चार्जिंग वगैरह पे लगानी है, इक्विपमेंट्स थोड़े चार्ज करने हैं। सो यूनिवर्सिटी आपने देखी, होप यू लाइक द हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी ऑफ शाहदरा। तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल खंडर बन चुकी है, तो कुछ बाकी नहीं रहा उसमें, ठीक है। तो कुछ पिक्चर्स वगैरह वो बैनर्स पे लगी हुई थी बिफोर एंड आफ्टर की, तो वो आपने देखी। तो होप यू लाइक इट। तो अभी के सीन्स हैं कि मैं फिर नीचे जा रहा हूँ, और नीचे जा के और कुछ प्लेसेस होंगी वो आपको दिखाता हूँ, और देखते हैं शारदा में क्या क्या है, वो एक्सप्लोर करते हैं। सो अभी मैं रूम में वापस आया हूँ, बिकॉज बाहर एक्सट्रीम लेवल की गर्मी है, एक्सट्रीम लेवल की। तो वाटर बैग मेरे साथ था पर फिर भी कोई काम नहीं बना। तो इतनी देर इक्विपमेंट चार्ज करते हैं, मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, और फिर जैसे ही थोड़ी गर्मी कम होती है तो बाहर चलते हैं, आपको ब्रिज का व्लॉग भी दिखाते हैं और ब्रिज का व्यूज़ भी दिखाते हैं। सो गाइस, वेलकम बैक। मैं वापस एक पावर नैप लेके, ठीक है, थोड़ा रेस्ट करके वापस उठाऊँ। तो अभी चलते हैं, एक काम छोटा सा याद आ गया है। काम क्या है? दिस।
ये शूज़ है मेरे, ठीक है, और हालात इनके नाजुक हुए हैं, तो अभी चलते हैं, शूज़ साफ़ करवाते हैं, पॉलिश करवाते हैं, और फिर उसके बाद वापस आते हैं, शूज़ रखते हैं और फिर बताते हैं, देखें। अभी के सीन्स ये हैं कि शॉप थी बंद और जो है शूज़ में रखवाए हूँ सादर शॉप पे, और ख़ुद जा रहा हूँ ब्रिज पे। ठीक है, ब्रिज पे करते हैं ब्लॉग, और ब्लॉग ही करते हैं, ब्रिज के नज़ारे आपको दिखाते हैं। बाइक से कवर उतारा जाए, सबसे पहले एक कवर की तरफ फंसा हुआ है, कवर उतार के ये जो रस्सी है ये कवर में ऐसे डाल के कवर को ऐसे 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 करके, बिकॉज़ कवर इधर रख नहीं सकते और रूम में रखेंगे फिर लाना पड़ेगा, तो ऐसे पीछे बंची में फंसा दें। गुड हो गया, और सुबह का बाइक अभी स्टार्ट करने लगूँ तो पहले एक बार बाइक स्टार्ट कर लेते हैं। बाइक स्टार्ट हो गया, मिरर्स वगैरह खोल लें, ठीक है, गुड हो गया। तो चेक करते हैं कि बॉयज़ किस टाइम तक आते हैं, क्योंकि अभी तो कोई उनसे कांटेक्ट वगैरह नहीं हुआ। तो बाइक स्टार्ट हो गई है, अब निकलते हैं, पहले चलते हैं शूज़ देख के आते हैं कि ये शू शॉप वाले भाई जान आए हैं कि नहीं आए। अभी करते हैं बाइक पे सैर, क्योंकि ये मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, और पैदल तो सुबह के चल रहे हैं, अब चलते हैं बाइक पे और व्यूज़ आप देखें शाम के कैसे सीन्स हैं। बाजार में जाने के लिए इधर से ऊपर जाना पड़ता है, और इधर ये 4x4 जीप्स बहुत अच्छी खड़ी हुई हैं, बिकॉज़ इधर गाड़ियाँ और इतनी वो चलती नहीं हैं तो जीप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आई थिंक के शॉप पहले एक थी, अब शॉप खुल गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं वो शूज़ रखवा के गया था, दे दिए, ठीक है, तो शूज़ इन्होंने दे दिए थे, बोल रहे हैं कि पॉलिश भी हो गए हैं, तो चेकआउट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है, शूज़ मेरे हो गए हैं पॉलिश, दिखा दें, सही बेहतरीन हो गए हैं। तो ये देख सकते हैं आप शूज़ कैसे साफ़ हो गए हैं, और क्रेडिट सारा इन भाई को जाता है जिन्होंने शूज़ सारे ठीक किए हैं, और अब ये सुबह हम पहन के वापस घर जाएंगे। शूज़ वर्क हैज़ डन, शूज़ पॉलिश हो गए हैं, तो थैंक यू सर देने के लिए। तो अभी वापस निकलते हैं, इनको पहले छोड़ते हैं रूम में, और फिर से एक बार शारदा का चक्कर लगाते हैं, पूरे शारदा का। तो वाई बी आर पे लटकाने की जगह तो नहीं होती, ऐसे ही पकड़ के गुजारा करना पड़ता है। तो अब सीधे रूम में पहले चलते हैं, शूज़ छोड़ते हैं, और उसके बाद फिर वापस निकलते हैं, ऐसे ही है। तो मोटो व्लॉग आप चेक कर रहे हैं शारदा के बाज़ार से, साथ ही अभी हम रिवर पॉइंट पे, रिवर व्यू पे पहुंच चुके हैं, सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, सामने मेरे जीप जा रही है, और
विलेज ट्रैकर्स। आगे फॉर्च्यूनर फंसी हुई है। ये हम पहुंच गए हैं, अभी चलते हैं रूम में, शूज अपने रखते हैं। वेयर इज द की मैन, आई फाउंड की। ये रूम खोला, शूज रखे और रूम वापस लॉक किया। और वापस बाइक पे बैठे। ऐसे बाइक पे बैठा जाता है और ऐसे इसको स्टार्ट किया जाता है और वापस मोड़ा जाता है और सीधे ब्रिज के उस पार चलते हैं ऐसे। सो अभी जो है ब्रिज पे काफ़ी रश पड़ गया था तो इधर से निकले हैं हम लोग। अभी चलते हैं ब्रिज के उस पार और जिधर हमने कल स्टे किया था, कैंप किया था, उधर लेके चलते हैं आपको। एक फ्लो में बाइक चढ़ानी पड़ती है, नहीं तो बाइक या गाड़ी जो भी है, नहीं तो रुक जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। तो ये जगह है जिधर कल फन होता रहे, फन करते रहे हैं। और अभी तो इधर बहुत ठंड महसूस हो रही है, इधर हम लोगों ने कल कैंप किए थे, ये वो प्लेस है। तो आगे बातें अब होती रहेंगी, अब फिर हम वापस चलते हैं ब्रिज के उस पार, क्योंकि मुझे इतना आइडिया तो नहीं है और विज़िट तो करते, पर अगर पीछे से बॉयज आ गए ना तो मेरे सिग्नल भी नहीं है, तो इसीलिए फिर मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता। मैं देखता हूँ बॉयज आ जाते हैं तो फिर बॉयज़ के साथ निकलेंगे, ऐसे अगर मैं निकला हुआ तो पीछे से बॉयज आ गए तो फिर उन्होंने खड़े हो जाना है बाहर और नंबर तो मेरा मिलेगा नहीं। तो ये सारे सिचुएशन है, इस वजह से मैं सुबह का जो है ना वो पास पास ही घूम रहा हूँ। एक बार यूनिवर्सिटी गया हूँ और फिर आसपास का थोड़ा एरिया देखा है और अभी बाइक ले कर निकला हूँ क्योंकि बाइक चलाने का दिल कर था। तो अब जाके करते हैं बाइक खड़ी और उसके बाद बॉयज़ का करते हैं इंतज़ार, वेटिंग पे लग जाते हैं। सो गाइज, अभी 11:30 हुए हैं, मेरी शक्ल से आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैं सोया हुआ था। और बॉयज़ अभी सारे वापस आए हैं और इनसे पूछते हैं ये क्या करके आए हैं। मॉल फुल अप है, ठीक है, ऑफ रोडिंग करके आ रहे हैं हम लोग। शारदा से गए हुए थे ताऊबट। अच्छा, स्टे हमने जो अपना ब्रेकफास्ट है वो हम लोगों ने केल में किया था। केल का बहुत जबरदस्त किस्म का ऑसम व्यू था। ठीक। और उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्टली स्टॉप किया था ताऊबट में, वहाँ थोड़ा सा आउटिंग शॉटिंग की है, पिक्चर शूटिंग की है, उसके बाद वापस आए हैं वहाँ से। फिर हम लोगों ने रात का खाना तकरीबन खाया है, केल में वापसी खाना खाया हम लोगों ने, और अभी पहुंचे हैं। तो बहुत एंजॉय किया, बहुत चिल किया, बहुत एक्सट्रीम चिल किया हम लोगों ने। तो फर्क भाई, आपके जूते तो बहुत गीले हुए हैं, आप आबशारों में नहाते रहे हैं? आबशार में डुबाते रहे हैं बाइक को। डुबाते रहे हैं, ठीक। तो मतलब एक्सट्रीम काम करके आए हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। अब ऐस भाई, आपकी व्हाइट शर्ट काली क्यों नहीं हुई? बिकॉज इसके ऊपर जो है स्वेटर और जैकेट की लेयर थी। वेरी गुड यार। और उसके अलावा आज जो हमने बाइक चलाई है आप उसको मिस करोगे जब आप वीडियो देखोगे हमारी। ठीक है। अब बाकी अब तो आमिर भाई, आप क्यों इतने मट्टी से क्यों भरे हुए हैं? बस भाई, समझ ले के मैं ही चल रहा था बाइक को खड़ी। तो बाकी जो बॉयज हैं वो अभी नहा धो के रेडी हो गए। तो अभी जो है 12 बज रहे हैं और मैं और आमिर भाई जो हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने डिनर तो नहीं था किया, आपको भी बताया था कि सारे गाइज आएंगे तो उनके साथ डिनर किया जाएगा, पर सब लोग आए लेट, मैं सोया हुआ था
और ये इनका भी सीन यही था कि मेरे साथ डिनर करना है, पर ये करके आए हैं। इन्होंने कहा कि उसने कर लिया होगा, तो मैंने समझा कि उन्होंने नहीं किया होगा, तो ये सीन्स हो गए हैं। तो अभी इधर आए हैं, होटल में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ मिल गया है, तो अभी डिनर करते हैं और वापस जा के बस सोना ही है भाई।